सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। सर बस प्रधान जी के सामने भर सही रहेगा, अगल बगल वहाँ चमाचम रहेगा, जो भी अधिकारी आते हैं उनको शिकायत किया जाता है तो वो आते हैं तो वहाँ जा करके सब रफा हो जाता है। प्रधान जी पूरे गांव में अंधेला पड़ा रहता है, अगर लाइट नहीं आती कहीं पे उजेली की रोशनी नहीं है, बच्चों को पढ़ने में बड़ी परेशानियाँ होती हैं। अब बरसात में लाइट आती नहीं ऊपर वाली की, लाइट की व्यवस्था है नहीं है। लाइट जो भी आई वो लाइट सब जब्त कर ली गई, बेच दी गई पैसे लेकर के, और अधिकारियों को शिकायत किया गया तो अधिकारी सब वहाँ सिस्टम से मिले हुए हैं, वो सब रफा पकड़ लेते हैं। प्रधान जी कॉलोनियाँ भी बहुत सारी हैं, जो अपात्र हैं उन लोगों को कॉलोनी मिली है, जिनके चार पहिया वाहन हैं, RCC लेंटर है, जिनके पास 15-15 बीघा जमीन है, 16-16 बीघा, सबके सबको सुविधा है, जिसके कुछ नहीं है उसको कोई सुविधा नहीं है, इसलिए कि वो पैसे नहीं दे पा रहा, जो पैसे देने वाला उनको सारी सुविधाएं उपलब्ध है। हमें कि बहुत गरीब है, हरिजन है और मंगल नाम है, हमारे जो 8 बच्चे हैं, एक घर में रहते हैं, गायें हैं तो सब बाहर में आमा बांधते हैं, साफ जगह भी नहीं है, एक घर में सरकार ने किस तरह से फार्म जमा कर दिया, 2-3 महीने हो गए, आज तक लोन नहीं आया, कर रहे हैं कि हम बनवा देंगे, आ जाएगी ऐसे आसमान में टांगे, 3 साल हो गए। कौन टांगे रहता आपको, कौन आपको टहलाता है? वही प्रधान के भाई हैं, जाओ रखते हैं वही हैं प्रधान जी मसान समझ में टांगे साहब, सबकी कॉलोनी आ गई, हमारी कॉलोनी आई। कितने दिन से आपको चक्कर लगवा रहे हैं? 3-4 महीने तो हो गए। गांव में और भी कॉलोनियां हैं, और भी साहब कॉलोनी आ चुकी हैं, सबकी बन चुकी हैं, और जो पात्र है साहब उसी कॉलोनी आते, जो पात्र नहीं है जिसके पास सबको से पैसे है, पक्के मकान उसे कॉलोनी बनी है, हमारे पास कच्चा मकान है, आप चाहे देख लीजिए, ये थोड़ी है आवास है, और हमारे कच्चे मकान है, ना हमारे शौचालय के लिए कोई साधन है, ना हमें आवास मिले हैं, और हम अनशन में भी बैठे रहे हैं साहब, अनशन भी हमारा प्रवास दिन का चौका थे, तो हमें आवास मिल गया, अनशन तोड़ दिया तो अनशन भी तोड़ दिन, तो हमें आज तक कोई आवास नहीं मिला हुआ है। और क्या समस्याएँ हैं आपकी गाँव? और समस्या हमारे रास्ते द्वारे में रास्ता में भी गड़बड़ है साहब, पूरे गाँव की गड़बड़ है, हमारे दरवाजे में गड़बड़ है, पूरे गाँव में गड़बड़ है, और आवास जिनके पास जमीन है ट्रैक्टर हमें उनका आवास मिले हैं साहब, और हम कहा गया देखिए हमारे पास गरीब आदमी हमारे पास। इससे पहले आपने कोई कार्रवाई की थी? हमने कोई कार्रवाई नहीं की थी। सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।